वक्त आ गया। जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मर्द मरते सभी को बता जाएंगे। नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में आपको सबसे बड़ा बात बताने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं इंटर बाद हम क्या करें। ऐसे आपको हम इंडिकेट कर दें, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक स्टूडेंट का अपना अभिलाषा, अपना एम्बिशन होता है। ऐसे प्रत्येक स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों का भी, जो स्टूडेंट इंटर के होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनका भी कोई एम होगा, एम्बिशन होगा, क्या हमको करना है। ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जिनको अब तक डिसाइड नहीं किए हैं आखिर इंटर बाद करना क्या है। तो मैं आपको बताते हैं इस वीडियो में अच्छी तरीका से, इंटर बाद आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, आपके पास कौन कौन सा रास्ता है। तो यह वीडियो स्पेशली साइंस वाले के लिए होगा। ऐसे जो साइंस स्ट्रीम से किए हैं इंटर, वह इंटर बाद क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे तो प्रत्येक लोग सजेशन देखते हैं, आप ऐसे इसका तैयारी कर लीजिए, उसका तैयारी कर लीजिए। बट देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट के पास कैपेसिटी, अर्थात प्रत्येक स्टूडेंट जानता है कि हमारा कैपेसिटी क्या है, किस क्षेत्र में हम जा सकते हैं, किस क्षेत्र में हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है। ऐसे आपको ज्यादा जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट होता है उसी क्षेत्र में जाना चाहिए। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे छात्र होंगे जो फ्रेंड्स के, जैसे उनके फ्रेंड्स किए वैसे हम करेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पेरेंट्स के दबाव में आकर, पेरेंट्स जैसे कहेंगे वैसे हम करेंगे। ऐसे लाइफ आपका है और इस लाइफ को जीने का अधिकार आपको है, इसलिए आप जो भी कीजिए अच्छी तरीका से सोच समझ कीजिए, क्योंकि एक बार आपका यह टाइम चला जाएगा तो यह दोबारा नहीं आएगा। सो आपको इस वीडियो में एक ऐसे बात से प्रांगत कराएंगे जो सभी स्टूडेंट को जानना जरूरी है। यदि हमारी बात आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता रहता है, अर्थात ऐसे हम इंग्लिश पढ़ाते हैं आपको। इंग्लिश अभी अभी ठीक पहले आपको इंग्लिश का सिंटैक्स स्टार्ट किए थे, सिंटैक्स में कुछ वीडियो बताया आपको, कुछ रूल्स बताए और बताया आपको सिंटैक्स बहुत जरूरी होता है। ऐसे आज इस वीडियो में आपको बताएंगे आखिर इंटर करके हम क्या करें। देखिए, इंटर करने के बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इकोनॉमिक कंडीशन के कारण कहीं दूसरी जगह अर्निंग करने के लिए, कमाने के लिए चले जाते हैं। ऐसे बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो कहीं कमाने के लिए चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका अभिलाषा है, कुछ लोग तैयारी करते हैं, जैसे कुछ लोग बिहार पुलिस तैयारी करेंगे, SSC तैयारी करेंगे, रेलवे तैयारी करेंगे, बैंकिंग तैयारी करेंगे, कोई पॉलिटेक्निक करता है, कोई बीटेक करता है, ऐसे कोई कुछ भी करे। आपको किसी पर ध्यान नहीं देना, बस सबसे पहले आपको देखना है कि व्हाट कैन आई डू, व्हाट आई हैव, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या है। किसी को दबाव में नहीं रहना चाहिए और किसी को देखकर आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कि सपोर्ट डैड, आज देखिए आप दुनिया किस क्षेत्र में ज्यादा भाग रही है, इस दुनिया में डिमांड क्या है। तो मैं आपको बता दें, यह दुनिया एजुकेशन सबसे ज्यादा एजुकेशन के क्षेत्र में भाग रही है और एजुकेशन में सबसे मस्ट पॉइंट पर है इंग्लिश एज वेल एज कंप्यूटर। देखिए, आप सबसे ज्यादा जो भी काम हो रहा है, आपको दुनिया जो आगे बढ़ रही है, पहला कंडीशन जाता है इंग्लिश। सभी लोग इंग्लिश सीखना चाहता है क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, वह इंग्लिश बात होता है। आप बाय द वे 10,000 का नौकरी करना चाहते हैं, इंटरव्यू होगा इंग्लिश। तो ऑफ्टन में ऐसे मेरा विचार है कि सब मैक्सिमम लोग इंग्लिश के पीछे भागते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एक लैंग्वेज है जो आपको स्मार्ट तो बनाएगा, साथ ही साथ
यदि आपके पास इंग्लिश का नॉलेज हो जाएगा, यदि आपके पास इंग्लिश का नॉलेज हो जाएगा तो ये स्मार्ट के साथ साथ आप जनरली किसी भी जॉब को आसान तरीका से कर सकते हैं, आपके अंदर एक क्वालिटी पैदा होगा। पहला नंबर इंग्लिश, दूसरा नंबर और दूसरे स्थान पर आया कंप्यूटर। इंग्लिश के साथ साथ कंप्यूटर, कंप्यूटर ही बहुत नेसेसरी हो गया है, क्योंकि आप कहीं भी जाइए, आप शॉपिंग मॉल में जाइए, एक अच्छे होटल में जाइए, एक मैक्सिमम जगह आप कपड़ा खरीदने जाइए, एक अच्छे भी मार्केट में जाइए, देखिए ऑनलाइन हो रहा है, पेमेंट ऑनलाइन, अतः कंप्यूटराइज ए टू जेड क्या हो गया, आजकल कंप्यूटर के जरिए हो रहा है। तो सबसे पहले कि कंप्यूटर कैसे आप सीखेंगे, कंप्यूटर कैसे चलाएंगे, तो पहले इंग्लिश सीखिए। तो यदि आप इंग्लिश सीखेंगे और इंग्लिश सीख कर कंप्यूटर सीखते हैं, तब आप बहुत परफेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप इंग्लिश सीखिए और इंग्लिश में स्किलिंग, इंग्लिश में एक दूसरे से बात कैसे किया जाए यह सीखिए, क्योंकि ग्रामर बहुत लोग सीखते हैं, ग्रामर सीखकर आपको आगे नहीं बढ़ना है, ग्रामर सीखकर आप कुछ नहीं कर सकते, बट इंग्लिश में स्पीकिंग, हाउ टू टॉक ईच अदर, कैसे एक दूसरे से बात किया जाए यह सीखना है। हम आपको बता रहे थे इस वीडियो में कि आखिर इंटर कर लिया, अभी अभी इंटर किया और इंटर के बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए हम बोलेंगे जो स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट का इंग्लिश में थोड़ा सा पकड़, मैथ में थोड़ा सा पकड़ और फिजिक्स, अर्थात जो इंटर थोड़ा अच्छा से ध्यान से पढ़े हैं, उनके लिए सबसे परफेक्ट जॉब है, लग्जरियस जॉब है एयरफोर्स नेवी। आफ्टर मी यह मेरा सलाह है, एयरफोर्स नेवी तैयार कीजिए, क्योंकि एक ऐसा यह जॉब है जो कि अपने आप में क्वालिटी, अपने आप में लग्जरियस, सांस औकत का जॉब है, और साथ ही साथ बहुत ही कम समय में यह स्टूडेंट इसको पा सकता है अपने टैलेंट के काबिलियत। तो हम आपसे बोलेंगे आप या तो एयरफोर्स, एयरफोर्स या नेवी, ऐसा हम आपको प्रिवेंट नहीं करेंगे, बिहार पुलिस का तैयारी मत कीजिए, एसएससी का तैयारी मत कीजिए, बैंक का तैयारी मत कीजिए, लेकिन यदि आप में अंदर क्या एबिलिटी है, एबिलिटी है आपके अंदर, आपका मैथ फिजिक्स पीसीएम इंग्लिश अच्छा है, तो आप एयरफोर्स नेवी का एक बार तैयारी जरूर कीजिए, क्योंकि एयरफोर्स में एक ऐसा जॉब है क्योंकि बहुत ही कम समय में स्टूडेंट को प्रदान होता है। और आपको ऐसे भी गाइड कर दें, आपका माइंड खुद जानता है कि हमारा जो माइंड है किस क्षेत्र में ज्यादा काम करता है। यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपको मैथ अच्छा लगता है, तो आप उसी क्षेत्र में जाइए जिस क्षेत्र में मैथ का ज्यादा डिमांड है, जिस क्षेत्र जिसमें मैथ से आप अच्छा कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे आपको एयरफोर्स ने भी तैयार कीजिए, ऐसे बिहार पुलिस का भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन देखिए यदि आपके पास कैपेसिटी है तो एयरफोर्स नेवी तैयार कीजिए, आर्मी तैयारी कीजिए, आर्मी का भी तैयारी कर सकते हैं, ऐसे बहुत से तैयारी कर सकते हैं, बट अंदर आपको सजेशन यही देंगे कि आप अपने कैपेसिटी के अनुसार ऐसे सलाह सबसे लीजिए, बट करिए अपने मन का, क्योंकि सलाह सभी लोग देते हैं बट करना आपको होता है। बहुत लोग आपको मिलेंगे एसएससी की तैयारी कर लीजिए, बैंक का तैयारी कर लीजिए, रेलवे का तैयारी कर लीजिए, क्लर्क का तैयारी कर लीजिए, बट सलाह सब लोग देंगे लेकिन करना आपको है, इसलिए अच्छी तरीके से समझ लीजिए हमको क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू एंड व्हाट इज नेसेसरी इन माय फ्यूचर, व्हाट आई हैव, मेरे पास क्या है, फ्यूचर में क्या जरूरी है, और अपने कैपेसिटी के अनुसार तैयारी कीजिए। अब कुछ स्टूडेंट ऐसा है जिसका बैकग्राउंड कमजोर, बैकग्राउंड इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, तो इकोनॉमिक कंडीशन खराब है तो आपको चिंता होने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिस पर जो आप चाहे वह मिल सकता है, जो चाहे वह मिलेगा, जैसा तैयारी करना चाहे, एसएससी का, यूपीएससी का, आईएससी का, एफकैट का, सीडीएस का, जो तैयारी करना चाहते मिलेगा। तो आप स्टूडेंट जो अभी अभी 12 पास किए, उनको घर बनाना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम बोलेंगे इंग्लिश स्पीकिंग जरूर सीखिए। आप जिस एरिया में जहां से भी हैं, इंग्लिश स्पीकिंग जरूर सीखिए, हमारा सलाह यही रहेगा। और दूसरा बात, आप अपना कैपेसिटी देखिए और कैपेसिटी के अनुसार एरिया चुनिए, इस एरिया में हम कर सकते हैं, हमारा एरिया क्या है, किसी के बहकाव में, किसी के कहने पर आपको नहीं आना, नहीं पेरेंट्स के दबाव में, नहीं फ्रेंड्स के दबाव में, किसी के नहीं रिलेटिव के दबाव में आपको आना, आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपने एरिया चुनेंगे, उसके अनुसार मेहनत करेंगे और सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही अन्य वीडियो आपके सामने आएंगे। दैट्स ऑल।